फोटो ले रहे हैं पहले क्या ले रहे हैं? थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से रोके हम इसके लिए एंड इट्स फाइनली आउट। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, सो थैंक यू वेरी मच टू द ऑडियंस फॉर गिविंग इट सो मच लव सो फार। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 जून को फिल्म आ रही है थिएटर्स में, आप प्लीज़ जाइए देखिए। इट्स अ फन फिल्म, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। यू स्टे। So we are very happy. The film was made for theaters, so it's a very special opportunity for all of us to come to theaters and watch this film in theaters. June 2nd. It was a huge privilege. मेरे साथ बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। It was a special because there are two sets of actors, older actors and the younger ones, and they really evenly matched with each other. That was a great delight. And Ritvik. It's a football film, तो उन्होंने बहुत समय ट्रेन किया and he plays really wonderful shots in the film. आप और बात हाँ जी मिलता हूँ आपको। कैसा आपका कैरेक्टर है चिड़ियाखाना में, किस तरह से? जी जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सैड लग रहा है, बट इस मेरे कैरेक्टर का नाम सूरज है फिल्म में, और ये बिहार से आता है अपनी मम्मी के साथ। कुछ रीजंस हैं, वो अपना घर छोड़ के आया है मुंबई एक नए शहर में नए लोगों के बीच, और इसे फ़ुटबॉल से बेहद लगाव है और उसी के बारे में फ़िल्म है, कैसे फ़ुटबॉल और अपने स्पोर्ट्स के प्यार के थ्रू चीज़ें अचीव करता है अपने लाइफ में। हाँ जी अरे भाई ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, बट चेन्नई फॉर धोनी। फ़ुटबॉल मेरे फेवरेट फ़ुटबॉल प्लेयर हैं लियोनेल मेसी और रोनाल्डिनो। थैंक यू थैंक यू। Sure. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sure. इधर करो ना तीनों। आपने इधर 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 करो। इधर करो इधर करो। यहाँ देख। I'm looking forward to Ritvik performance and मैं यहाँ मनीष जी के लिए आया हूँ, तो only looking forward. बहुत दिनों के बाद ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ये जो एक्टर्स हैं इसमें मंझे खिलाड़ी के, तो उनको देख के तो मज़ा ही आएगा, और प्रेमाइस थोड़ा नया है, चिड़ियाखाना वाइब है, अच्छा इट्स गुड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेहा पिक्चर करो सामने सामने। जा सकते हैं सर। क्या अब तो पूरा बात लग रही है। ना ना चलो आ जाओ। उसको बुला लेते हैं। इसमें कम ना हाँ आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो। अरे वाह यहाँ भी जानवर दिख रहे हैं। आप दोनों थोड़ा राइट में से दिखो ना, आप दिख नहीं रहे हो। बीच में आ जाओ आप। चिड़ियाखाना या हेलो हेलो हेलो। हाँ जी या कोई पूछेगा या फोटोज कैसे लग रहा है? ऑनेस्टली चिड़ियाखाना टाइटल से मुझे बिल्कुल वो चिड़ियाखाना जैसा हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली इट्स चिड़ियाखाना, इट्स मोर देन दैट। एंड ये 110% एंटरटेनिंग फिल्म है, एज पे बैठ के मैंने देखी है। और इस मूवी की ख़ास बात यह है कि प्रशांत नारायण लेजेंड, नामदेव जी, गोविंद नामदेव जी, और यू नो रवि किशन जी, राजीव फेरी जी, और प्रशांत तिवारी जी हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। उनकी ये क्राफ्टिंग जब मैं सोच के गया था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, 110% इन लेजेंडरी एक्टर्स के बीच ये यंगस्टर्स, इन लोगों ने तो फिल्म तोड़ दी है। और ऐसी बैटिंग नहीं, फुटबॉल फुटबॉल गेम यार, वॉर अ गेम यू प्ले। थैंक यू ऋतिक, नो वंडर यू सरप्राइज्ड क्राफ्ट्समैन एक्टर्स। एंड ये फिल्म कमाल की स्टैंड आउट होने वाली है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टीम। थैंक यू सो मच। एंड ऋत्विक, थैंक यू सर। हाँ यार, आपको भी जानवर देख रहे हैं। बट ये क्यों है इनके पीछे, ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। एंड 110% इज गोना give you a 100% entertainment, full on. Cheers, guys. Thank you, cheers, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Hearing all these words feels amazing. मतलब इसीलिए काम करते हैं कि एंड में जाके लोग देखें और यू नो बताएं उन्हें कैसे लगे। चलो ठीक है, I'm glad it's still the same. बट बहुत मज़ा आया इतने सारे लोगों के साथ देखने में। अभी इससे पहले मैंने एक ही बार देखी थी, बट वो भी अकेले देखी थी और कुछ लोगों के साथ। बट आज ऑडियंस आई है, नवीन सर आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं देखने और सबके चेहरे पे स्माइल देख के अच्छा लग रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। 2 जून को फिल्म आ रही है थिएटर्स में। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप जाइए देखिए, थोड़ा समय निकाल के। थैंक यू। और ये रिपीट वैल्यू है इस फिल्म को। हाँ जी 100%। चीयर्स। थैंक यू। आ जाओ, सौरभ पटेल। कैसा लग रहा है फिल्म? बहुत ही अमेजिंग। ऋत्विक को मैं पहले से देखते आ रहा हूँ, पहली बार मिला हूँ, बट ऋत्विक बहुत अच्छा परफॉर्मर है और हर हमेशा एक नए कैरेक्टर के साथ प्ले करता है। ये वाली फिल्म तो बहुत ही अमेजिंग है। मुझे लगता है ये दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बहुत बैलेंस किया गया है ऐसे कि दोनों कैटेगरी में लोग देख सकते हैं। और प्रशांत सर हैं, वो तो शुरू से ही लेजेंड है और उनकी परफॉर्म के बारे में क्या ही बोले। उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। और एक नया कैरेक्टर फिर देखने को मिला प्रशांत सर के लिए भी, तो बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। सब लोग देखें और मुझे तो लगता है ऐसे अवार्ड भी मिलना चाहिए। अरे वाह। मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी दुआएं। थैंक यू। ऐसे ही काम करते रहें। ऋत्विक का लास्ट का जो जब गोल करता है, वो धड़कन ऐसी रुक गई थी कि वो गोल होगा कि नहीं होगा, और क्या सरप्राइज था। अमेजिंग सॉन्ग। थैंक यू। एंड प्लीज रिक्वेस्ट पीपल टू कम वॉच द फिल्म प्लीज ऑन द 2nd of June। जरूर सब लोग देखें। और हर एक इंसान के लिए फिल्म है, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सबके लिए। सिनेमाज में आइए, देखिए, जरूर देखिए आप। थैंक यू भाई। कैसा लगा आपको चिड़ियाखाना का हिस्सा बनते हुए और आज फिल्म देखते हुए? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत कमाल की फिल्म है। आज जब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, लेकिन ऐसी रॉ और रियल फिल्म जो आपको कनेक्ट करती है ह्यूमन लेवल पे, ऐसी एक चिड़ियाखाना है। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। भले ही छोटा किरदार है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक्स सर। इशिता जी, tell us how did it feel watching Chidiakhana? I really enjoyed watching the film. बच्चों के पिक्चर है, स्पोर्ट्स के पिक्चर है। Incidentally, the work that I do now is also related with children and with sports. So I felt that मैं ये बोल चुकी हूँ कि बहुत ही important topic है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान हो और play को prioritize किया जाए, especially in the education system. So I thought that it's a very important subject. And the performances were really good. So I totally enjoyed watching the film. It's a sweet film, and I hope everybody goes and watches it in the cinemas on 2nd. Some scene or any particular moment that you really loved about Chidiakhana? I liked when he says "Thappad khaegi," when she says something sweet and he says "Thappad khaegi." So I thought that was very cute. Thank you so much. Thank you. Please. बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी फिल्म है। और स्पोर्ट्स पे इतने कन्विक्शन के साथ फिल्म बनाई है कि मतलब जब आप फुटबॉल देखते हो बच्चों का, तो आपको लगता ही नहीं है कि कहीं से कोई ट्रिक की है या किसी और तरीके से बनाया। मतलब फुटबॉल इतना कन्विंसिंग तरीके से मैंने नहीं देखा। और बहुत ही डेयरिंग स्टेप है मनीष भाई का, जिस तरह की कहानी उन्होंने रची है। और इस तरह से आई होप कि हमारे जो देश में फुटबॉल को और बढ़ावा मिलेगा, उसको चाहने वालों का और बढ़ावा मिलेगा। अभी तक तो हम सिर्फ दर्शक ही बने हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन इस फिल्म से एक आशा जगती है हमारे यहाँ फुटबॉल खेलने का जज्बा और पैदा करने के लिए और जो उसके चाहने वाले हैं उनको देखने के लिए। आप फुटबॉल खेलते हो? जी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं 2 बार स्कूल चैम्पियन रहा हूँ, जोनल चैम्पियन रहे हैं हम लोग, तो हमारा भी तो मैं काफ़ी कनेक्ट करता हूँ इस फिल्म से, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के प्लेयर थे तो हमें कई जो वहाँ के जो कॉन्वेंट स्कूल और बड़े स्कूल थे उनके बच्चों के साथ खेलना पड़ता था और सेम स्टोरी होती थी कि हमारी हाइट कम थी और उनकी बड़ी बड़ी। मुझे बच्चों का किसी बच्चे से दिक्कत नहीं है, चाहे वो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। मतलब बात यह है कि जो जज्बा है, जो गरीब लोगों में जो जज्बा है, उस जज्बे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन मिलनी चाहिए जो इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो मैं इस फिल्म को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहूँगा। मनीष जी आपको कैसे लग रहा है दीपक जी आज आपके साथ हैं, वो भी फुटबॉलर है? हाँ, मतलब अंतर ये है कि मैं फुटबॉलर नहीं था, मुझे फुटबॉल की फैंटेसीज थी, मैं बोर्डिंग स्कूल में था, देखता था कि फुटबॉल खेली जाती तो वो डाला है। बट थैंक यू दीपक जी फॉर सो मच ऑफ सपोर्ट। बहुत प्यारी। जी मैं सब लोगों से कहूँगा इस फिल्म को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर और हर एक जो मैं भी पेरेंट हूँ अभी, मतलब है ना, तो मेरा बच्चा भी फुटबॉल खेलता है बहुत अच्छा, तो मैं उसके पूरे ग्रुप को जितना भी है फूटी फर्स्ट से लेके जितने भी फुटबॉल क्लब हैं हमारे मुंबई में, मैं उन सब के कोचेस को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आएँ और इस फिल्म को देखें। आप रिलेट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। Thank you so much. 1 minute, भाई किधर गया? आ जाओ ना मेरे चिड़ियाखाना। You didn't see the movie over, right now? Yeah, I saw it right now. अच्छा, thank you. Okay, thank you. All right. I want your bite, ना? अच्छा, okay. तुम्हारा सब हो गया क्या? आपकी फुटबॉल कोचिंग की बहुत तारीफ की जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? अभी ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू, सो आई गेस यू नो फुटबॉल की भी तारीफ हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, यू नो। और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरे फुटबॉल कोचिंग स्किल से ज़्यादा फिल्म की तारीफ हो, और मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि जितने भी लोग आए यहाँ पे फिल्म देखने के लिए उनको सभी को फिल्म बहुत अच्छी लगी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको यू नो आपके दोस्त लोग जो आपको कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोग एकदम खुल के तारीफ़ करके गए आपकी। जो ये वही लोग हैं जो आपको गाली भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत दिल से बहुत खुल के इस फिल्म को एंजॉय किया। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस फिल्म, इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच दिस मूवी। इट्स रिलीजिंग ऑन द 2nd of June, एंड आई प्रॉमिस यू इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एंजॉयबल फेयर। Prashant is here, so you were saying something about him. I want you to join him and tell him that. अच्छा, क्या बोलने वाला तू? प्रशांत नारायणन का मैं दिल से फैन हूँ, और Murder 2 लोगों के लिए इनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसके पहले हमने एक फिल्म की थी, बदकिस्मती से वो मीडिया तक नहीं आ पाई। लेकिन आज यार इतना कॉम्प्लेक्स मत दो आर्टिस्टों को यार, क्या आपके सामने रहते बेचारे बच्चे डर जाएंगे यार। मेरा तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं था यार जो जिनको मेरे से कोई तकलीफ हुई हो फिल्म के दौरान। नहीं, फिल्म के दौरान नहीं, जब भी स्क्रीन पे प्रशांत नारायण आते हैं वो मतलब आर्टिस्टों की भूख मिटा देते हैं, जो इनसे एक्सपेक्टेड होता है वही करते हैं, और कमाल, मैंने कमाल देखा इस फिल्म में भी। और तिवारी साहब, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर, so thank you for this movie. Sir, seriously, come into the camera. Manish Tiwari sir, I am a huge fan of yours, and ये फिल्म कमाल की फिल्म है। मैंने जैसे दिल दोस्ती ETC वो फिल्म भी मैंने 2-2, 3-3 बार देखी है, एंड उस फिल्म में भी आई थिंक श्रेयस और उनको उनको आपने इतने कमाल के क्राफ्ट में आपने यूज़ किया। इस वक्त देखिए, फिर ये देखिए सर, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई एंड इट्स डेफिनेटली एन अवार्ड विनिंग फिल्म। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।